Hey gamers, boys here. Welcome back to another gameplay video for Tomb Raiders. The last episode में हम निकल पड़े थे एक बॉस की बैंड बजाने, उसकी बैंड बजा के हम इस जगह पे आ गए हैं। शायद कुछ और हम ढूंढने आए हैं। और ये देखो हमारा बंदा, हमारा साथी। ओ भाई क्या करंट खा गया। सो इसको हमें पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो बंदा कह रहा है कि उसको इन लोगों ने पकड़ लिया है और उसका पैर फंस चुका है, ट्रैक ब्लॉक हो गया, यानी कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसके। ओके समझ गया, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे इस कंटेनर को इस पाइप की वजह से अटक रहा है, तो हम इस पाइप को तोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसमें जंप मार के देखता हूँ। जंप मारने पे ये आगे ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि हमें इसको सेट करना पड़ेगा सही पोजीशन पे पहले। यहाँ पे तो रास्ता है, मैं ऊपर नीचे ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली उस पाइप को हमें तोड़ना पड़ेगा और यहाँ से ऊपर रास्ता दिया हुआ है, यहीं से हमें शॉर्टकट मारना पड़ेगा। बच गया, सर फुटवा लिया था। ओके, रास्ता तो क्लियर हो गया, अब इसको वापस फिर से जमाना पड़ेगा हमको। ओके, पोजीशन सेट हो चुकी है। अब इसको हमको सिंपली इसको खींचना है। ये लगाया और ये पुल करते हुए ये देन खींचा गया। ओके, अब हमारा लड़का फ्री हो गया। एलेक्स नाम है मे बी उसका। तेरी ओए भाई, देख रहा है पैर का पूरा चटनी बन गया। ओ जा ही नहीं पाएगा। डांस कर रही है, देखिए आप भी मस्ती कर रहे हैं ये लड़का। बंदे के पास बुलेट्स भी हैं, गन्स भी हैं, क्या बात है। जहाँ तक मुझे याद है ये बंदा अपना सेक्रीफाइस दे देगा, क्योंकि दोनों का साथ निकल पाना मुश्किल है और इसके पास शायद कोई डिवाइस है जो कि बोट के लिए ज़रूरी भी है। और बंदे भी बढ़ते जा रहे हैं ना। आई थिंक ये पाना पिंचेस वगैरह हैं जो बोट रिपेयरिंग में काम आने वाली है। और एक अच्छा सा सीन आपको देखने मिलेगा थोड़ी ही देर में, वेट करो गाइस। अच्छा, लारा नहीं मान रही है उसको अकेला छोड़ने के लिए, लेकिन मानना पड़ेगा। और ये छोटा सा किस। ओके, अब बहुत हुआ, निकलना पड़ेगा भाई। और ये बंदा बम ब्लास्ट करने ही वाला है, सील पैक कर दी हमने। गया। अब पूरी फ्लोर बोर्ड ब्लास्ट होने वाली है, हमको सीधे सीधा भागना पड़ेगा भाई। और ये अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, यहाँ से हमें एक नया फीचर देखने मिला है। हम अब डायरेक्टली वापस जा सकते हैं इस तरीके से। अरे, वो बोट का आधा हिस्सा था या फिर हम किसी और बोट पे आ गए, आई थिंक। अच्छा, ये दो टाइप के बोट थे। अब तो उस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वहाँ पे हमारी टीम जो है वेट कर रही है। यहाँ से तुरंत निकलते हैं, वहाँ हमारी टीम वेट कर रही है। और आई थिंक रात को निकलना सेफ नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन इन बंदों का क्या करें भाई, ये तो हमारी चटनी बना के रहेंगे ना। शॉर्टकट तरीके से आया हूँ, यानी कि रस्सी के बलबूते पर। और ये हमारा रोप लगाता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे वेपन स्विच किया और ये लगाया। और ये मेरी न्यू एबिलिटी देखो, यहाँ पे सीधे नीचे सामान टूटते हुए न्यू रास्ता खुल गया गाइस। ओके, ज़्यादा गहरा तो नहीं लग रहा है, वैसे कूद के देखते हैं। नीचे पहुँच गया। आई थिंक नीचे में भी कोई ना कोई सामान होगा जिसे हमने ढूंढने को आना है। ओल्ड लोगो बुक्स, अरे काट यार, निकट भी नहीं रहा, लोडिंग ले रहा है। आई थिंक ये कोई काम की बुक है।
इसमें शायद उस शैतान को मारने की कोई क्रिया प्रक्रिया वगैरह कुछ लग रही है। साइंटिस्ट एक्सकवेशन, आई डोंट नो। एंशिएंट रुइंस इन द ओल्ड बेस, कंट्रोल ओवर द स्टॉर्म्स, आई नीड आंसर्स। ओके, अब हमें अपने बैक टू बेस पे लौटना है और तुरंत तुरंत लौटना है। हो सकता है यहाँ पे बहुत ही खतरा मुझे महसूस हो रहा है। हमारे बेस पे हम वापस आ चुके हैं और हमारी न्यू गियर को हम देने वाले और बताने वाले कि कोई बंदा टपक चुका है हमारी टीम का। सो हमारी टीम के लिए बहुत बुरी खबर है। एक्सप्लोशन, इनको कुछ एक्सप्लोशन भी मिला हुआ है, यानी कि बम बारूद वगैरह। अरे रहा जॉर्ना, जो अगले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं इसको स्किप करता हूँ भाई, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी लंबा चलने वाला है। और सर्च द क्लाइम ऑफ द रिसर्च बेस, यानी कुछ बेस से हमें कुछ और भी लेके आना है जो बोट को रिपेयर करने में काफ़ी काम आने वाली है। और यहाँ पे कोई लिफ्ट वाली जगह मुझे यहाँ पे मुझे कोई लिफ्ट वाली जगह दिख रही है, मैं उसको तोड़ा ताड़ी करके निकाल लेता हूँ। ये रहा मेरा न्यू गियर एंड मैं इसमें अनलॉक कर देता हूँ इसको। जैसे मैं 2 मिनट्स का काम है, एकदम आसान। ओके, तो यहाँ से इसको ऑपरेट करते हुए उसको हमें गिराना होगा। इसको हम डायरेक्ट नहीं चल सकते, अब ये लिफ्ट तो कोई काम की रह नहीं गई है, हमारे अपने स्टाइल से यहाँ पे हमें क्लम्बी करनी पड़ेगी। हम अपने रास्ते पहुँच चुके हैं और यहाँ से इस जगह से हमें ऊपर में क्लम्ब करना है। और आई थिंक फिर से हमें टॉप पे जाना होगा, क्योंकि नीचे पे कुछ सामान तो हमको मिलते नहीं है, सारी चीज़ें टॉप पे ही मिलती है। हाईएस्ट टॉप यहाँ पे हमने पहुँच चुका है, देखिए टॉप पे टॉप, वहाँ से हम आ रहे हैं और सीधे ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि पूरी क्लम्बिंग करते हुए। और इस लिफ्ट को मुझे पास खींचना होगा ताकि मेरे पास आए, यहाँ से मैं जंप करते हुए जा सकूँ। भाई बच गया, आई थिंक मुझे यहाँ से जंप करते हुए पकड़ ले और फिर इसको खींच के इसको पास लाना होगा, और इसके थ्रू और जंप करके मुझे जाना पड़ेगा। ओके, माउंटेन के टॉप पे मैं आ गया और सामने मुझे एनिमीज दिख रहे हैं। उसने मुझे अभी तक देखा नहीं है। मैं अपनी बम बारूद वगैरह निकाल लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये करना सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ओके, नहीं कवर है उन लोग के पास कवर, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। ओके, उसने शायद हेल्प के लिए पुकार लिया, यानी कि वो न्यू बंदे उतर के आने वाले हैं। और ये आ चुके हैं, ये ले बम खा ले तू। वो खा गया। और मेरे ख्याल से मेरे पास बुलेट्स भी खत्म हो गई है, और इसके पास भी शॉटगन है। वो एक बार में निपट गया यार। क्या लेजी बंदा यार, एक बार में ही निपट गया। सारे लूट्स ले लेते हैं, मेरे पास गोली बंदूक की बहुत ही कमी हुई है। ओके, ये यहाँ से खाली कर दिया। और अभी एक और लास्ट जर्नी थी, वो शायद ये वाली होगी। ओके, तो यहाँ से मुझे और भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो चढ़ते हैं। और गुफा के नीचे जाने के लिए कह रहा है। अरे नीचे पानी तो है, वैसे जंप तो मार सकता हूँ मैं आराम से। ओके, स्टेल्थ किल करने का टाइम आ गया। सामने दो चार एनिमी, दो नहीं आई थिंक एक ही एनिमी है। अच्छा, वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। एक डायलॉग तो सुना होगा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारी मौत बन के आ रहा हूँ, है ना। तो मैं उनकी मौत बनने के लिए जा रहा हूँ। और ये यहाँ से चुपचाप पकड़ते हैं और ये किल मारते हैं। ये हमारी एक्स किल है, यानी कि हम एक्स घुसा के, सामने ही है यार, मैंने देखा नहीं। और सामने एक और बंदा है, ये शायद वो उल्टा लटका हुआ कोई चीज़ है यार। ओके, ये दोनों निपट चुके हैं। और एक गेट देखी थी मैंने, शायद मुझे कुछ न्यू बो पार्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं।
तो उसको जल्दी जल्दी ओपन करके देखता हूँ, अंदर में कुछ ना कुछ खास आइटम रहे तो मज़ा भी आता है यार। अच्छा नहीं यार, ये तो एक रास्ता है, यहाँ से डायरेक्ट कूद के हमें इस तरफ जाके उस तरफ एक रास्ता दिख रहा है मुझे, शायद यहाँ पे भी बम बारूद गोला बारूद वाला। अरे नहीं यार, यहाँ तो सिर्फ एक आइटम पड़ा है। एग्जिट एग्जामिन। ओके, वो वाली लिफ्ट जरूर टूट गई थी लेकिन ये वाली लिफ्ट हमारी काम कर रही है। ओह अच्छा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारे गेट्स में ब्रेकर लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से 1 2 3 4 व्हील्स है, यहाँ पे 4 ब्रेकर होंगे, चारों ब्रेकर को हमें फ्री करना होगा चारों तरफ घूम घाम के ना। और ये हमारी सेकेंड व्हील, इसको तोड़ देते हैं फटाफट। ये थर्ड, ये एक फाइनल व्हील हमारी टूट चुकी है, यानी कि लिफ्ट पूरी फ्री हो गई है। ओह हम नीचे से, हमें इसको तोड़ना था, मुझे लगा शायद इसको रिपेयर करना है, यहाँ तो तोड़े फोड़ी हो रखी है। चल नीचे हम सीधे जाते हैं अपना, और ये लगता है यहाँ पे कोई एनिमीस है। ओह मैं अपने मशीन गन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे बुलेट भी काफ़ी फुल है और दिखाई नहीं दे रहे वैसे। अच्छा बेटा आ जा, तेरी तो बैंड बजाऊंगा, ऐसा ना तो सोचने में लग जाएगा कैसे किससे पंगा लिया मैंने। अरे यार लारा तुम ठीक तो हो जाए यार। ओके सामने मुझे दो बंदे दिख रहे हैं और दोनों बंदों को मुझे एक साथ नहीं उड़ाना है। रुक जा, इसमें सर में कुछ पहन के रखा है शायद, नहीं एक बार में गए तो तू पैसा वैसा ला के दे मेरे को। ओके अरे तेरे गन में कोई दम नहीं है, देख रुक रुक आ जाए, छोड़े अपना मुंडी दिखाओ। है ओ 2 सेकंड का बंदा यार हमसे पंगे ले रहा है, तू पहले अपना खजाना पानी दे के दे। अबे दो ही बंदे थे क्या, मुझे तो लगा यार एक्शन सीन आने वाला है, सबकी बैंड बजाने वाला हूँ मैं। अरे कम आए क्या, दो बंदे आ गए हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ वो पार्ट्स मुझे मिल जाएंगे आई गेस। नहीं यहाँ तो पैसे वैसे हैं, खैर पैसे का भी अपग्रेडेशन हमारी हो जाती है। और यहाँ पे भी कुछ पत्रिकाएँ दिख रही है मुझे और कुछ खुली खुली जगह पर मैं जा रहा हूँ लगता है। ओ भाई ये तो काफी बड़ी जगह है, ये अब होने वाला है पंगा, पंगा होने वाला है। और इसको मैं थोड़ा देर सेव करके रखता हूँ, हो सकता है मुझे जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे बड़े पंगे वाले लग तो रहे जगह मुझे। इसको मैं स्किप कर देता हूँ यार क्योंकि ओके अब हमें इस यहाँ से जल्दी वापस निकलना है, लेकिन ये हमें निकलने देगा नहीं मुझे अच्छे से मालूम है। और ये बम फोड़ दिया है और यहाँ पे लोग बाग जो है आना शुरू कर दिए हैं। और यार बंदे दिख नहीं रहे, वो रहा बंदा मैं बोला, और चुपचाप छुप जाता हूँ, सीधा पीछे चलता हूँ क्योंकि हो सकता है बम बारूद मेरे ही सर पे फोड़ने को लगे। और नहीं नहीं, नहीं एक ही बंदा था क्या, ओ ये रहा ना। अच्छा ये ले 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 ले, एक काम करता हूँ सीधा वहाँ जाके मारता हूँ क्योंकि पॉइंट वहीं एरो कर रहा है तो सीधा वहाँ पे जाने का फायदा। ओ नहीं यार वहाँ तो रास्ता ही नहीं है, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, आई मीन जाना सही नहीं है, तो यहाँ से मैं छुप जाता हूँ। और ये बम बारूद वगैरह भी गिराए जा रहे हैं यार, अरे रुक जा, ये ले 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 ले, ओ ओ भाई ओ क्या बम बारूद मार रहे, रुक 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 ये मारा, ये हेडशॉट लगाना है, हेडशॉट लगाऊंगा तो ही एक बार में निपटते जाएंगे लोग। खैर हेडशॉट लगाना उतना ज़रूरी भी नहीं है, और सामने से ये बंदा, अच्छा आ बेटे आजा आजा आजा, तेरी कमी थी। अरे मेरी बुलेट्स भी खत्म हो गए यार, कोई बात नहीं, फायर एरो से ये एक एक बार में निपटते जाएंगे आई गेस। वो एक बार में ये निपटा, दूसरे बार में ओ भाई ओ आराम से यार, मेरा ऐसी तैसी करवाओगे क्या तुम, एक मुझे एम एक जगह एम लेने दो यार, ये रहा। ओ नहीं नहीं नहीं, जल के मैं मर जाऊंगा यार। ओ रास्ता खुल गया है,
और मेरी स्पेशल बैरल भी यहाँ पे है। रुक जा रुक जा रुक जा, इसके अंदर थोड़े से बुलेट्स अभी भी बाकी हैं। और ये खाया बम बारूद, ओके आई गेस सब खत्म हो गए हैं, ज़्यादा कोई बच्चे नहीं। वो खैर इतना तो पक्का, मैंने एक बार भी यहाँ पे डाई नहीं हुआ हूँ। सारे सामान कलेक्ट कर लेता हूँ, सीधा यहाँ से निकलता हूँ यार। ओके हम केव से बाहर आ गए हैं और रेडियो के थ्रू हमें पता चला कि हमारे क्रू मेंबर के ऊपर फायरिंग कर दी गई है, यानी कि यहाँ पे उन लोग के ऊपर अंदर अटैक हो चुके हैं और मुझे उन्हें बचाने जाना पड़ेगा। और मैं भी यहाँ पे फंसता हुआ नजर आ रहा हूँ, ये लोग बंदे लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि इन्हें निपटाते हुए जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। किसी को बुलाने लायक रखूंगा नहीं। अच्छा बेटे आ जा ओ भाई उसके पास मशीन गन है और एक के दो वो रेडियो के थ्रू बुला रहा है। खैर ये तो निपट गया यार। अच्छा रेडियो मेरी खुद की आवाज आ रही है यार। अच्छा बेटे तू ये तो निपट लिया। और यहाँ पे कलेक्टेबल आइटम तुरंत मैं ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास मशीन गन्स की बुलेट बहुत कम हो रही है ना। यहाँ पे रिलोडिंग वगैरह भी मार लेते हैं, साथ ही साथ रिलोडिंग मारते हुए चलेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, चिंता मत करो आ रहा हूँ। यहाँ पे ये बूस्टर में मारता हूँ, डायरेक्ट तुम्हारे पास आ रहा हूँ। काफ़ी करीब आ चुका हूँ, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। धुएं के सिग्नल छोड़ रहे हैं ये लोग ताकि मुझे पता चल सके मैं कहाँ पे हूँ। इन लोग को भी नहीं मालूम इसलिए हर तरफ धुएं के सिग्नल छोड़े जा रहे हैं। और एलेक्स यहाँ पे है, नहीं इसका नाम मैं भूल गया हूँ, एलेक्स इसका नाम नहीं है, रायास। स्किप करते हैं यार क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी लंबी चलती है। टेक टू रिवर इन अ मॉन्स्टर। ओके शायद हम रेडी हो चुके हैं न्यू आइलैंड पे जाने के लिए। न्यू आइलैंड यानी कि एक लड़की को किडनैप करके ये लोग रखे हैं और उस आइलैंड में ये लोग छुपा के रखे हैं उसको। Lara, what do you expect to find in there? Do you really want to know? No, but you should tell me anyway. There's the soul of an ancient sun queen trapped in a dead body. Her rage is what's... Okay, तो स्टोरी को मैंने स्किप करते जा रहा हूँ यार, मुझे क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी लंबी रहती है, यानी कि उतना देखने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इनमें बातचीत ही रहती है ज़्यादातर। और आर्टिफैक्ट वगैरह की बात सुन के हम करेंगे भी क्या। सो स्टोरी के हिसाब से ये बता रही है कि एक लड़की इसकी दोस्त है, उसके अंदर वो पुरानी एक लेडी थी, उसकी आत्मा ट्रांसफ़र करने वाले हैं ये लोग और वही दुनिया को राज करेंगे वगैरह वगैरह वाली बात। More people means more danger of being spotted. अच्छा एक एक करके सब as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Storm Guard. Look anything that's not me or Sam, shoot it. Okay, सब अलग अलग जाने वाले हैं क्योंकि एक एक करके निपटेंगे। We got your back. और साइलेंटली निपटाना है इन लोगों का कहना है। तो ये दोनों उन लोग को ध्यान भटकाएंगे और मुझे जाना है उन लोग को सामने से निपटाना पड़ेगा। तो क्लाइंबिंग करते हुए हम ऊपर भी आ गए हैं। खैर मैंने कोई कटिंग वगैरह किया नहीं है, डायरेक्ट ये ऊपर आ गई है। ओके गाइस तो इस एपिसोड को हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है ये फाइनल आइलैंड है, यानी कि अब हमारी गेम एंडिंग के कगार पर पहुँच गई है। वैसे भी मैंने इसको लगभग एक से डेढ़ महीना खींच लिया है, लेकिन अगले सीरीज को मैं ऐसा नहीं करूँगा।
और कमेंट में बताएं यार कि न्यू सीरीज क्या स्टार्ट करनी है। सो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक ले पीस आउट गाइस।